नमस्कार दोस्तों, मैं वीके पांडे जीके राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रभात की वेला में हम आपको रीट परीक्षा के लिए और सीटेट परीक्षा के लिए शिक्षण विधियों का यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करवा रहे हैं, तो आपको लगातार लाइव आना है और टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का रूप जो कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है कि चारों विकल्प सही दिखाई पड़ते हैं, परंतु आपको तो विकल्प में एक ही गोला भरना होता है, एक ही सही होता है, तो आपको इसके अनुसार काम करना होता है। तो इसी के अनुरूप काम करने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीटेट और रीट परीक्षा के लिए जबरदस्त प्रश्नों की एक श्रृंखला, ठीक है। चलिए, अब ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न, इसे पढ़िए और ईमानदारी से उत्तर दीजिए। बेटा, चार विकल्प हैं, इसका उत्तर देना है। पहला विकल्प है, पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो, अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लेखन क्षमता को आप देखना चाहते हैं, उसकी सीमाओं को देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे? सुंदर अक्षरों से देखेंगे कि छोटी कहानी लिख सकता है, या विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखे, या मानक वर्तनी में लिख सकता है। चार विकल्प हैं। अब आपको बताना है कि अगर सुंदर अक्षर लिख सकता है बालक, तो उसके लेखन कौशल को आप देखेंगे, या छोटी कहानी लिखने से उसका लेखन कौशल चेक करेंगे, या विभिन्न उद्देश्यों को लिख लेता है तो, या फिर मानक वर्तनी में है तो, यानी वर्तनी के मानकीकरण को जानता है, शुद्ध लेखन कर पाने में समर्थ है बच्चा, तो आप उसे देखेंगे। बताएं बेटा, जल्दी से बताएं। प्राथमिक स्तर पर ना बच्चे के लिखने का कौशल जो होता है वो इस सीमा तक होना चाहिए कि विभिन्न उद्देश्यों को लिखा जा सके, क्योंकि उससे हम बालक के वास्तविक भाषा शिक्षण कौशल का ज्ञान देख पाएंगे कि उसको कितना सामर्थ्य है अपने भाषा शिक्षण को लेकर के। तो विकल्प सी बिल्कुल सही है, विभिन्न उद्देश्यों का लेखन कर पाने में समर्थ बालक ही भाषा शिक्षण कौशल में समर्थ माना जाएगा प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। ये रहा आपका। अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट उत्तर देना है, आधे घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है हमें, जल्दी से। प्रश्न संख्या दो देखिए, चलिए प्रश्न संख्या दो क्या कहता है। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है, कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकते हैं, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। चौथा विकल्प आपके सामने आ रहा है, प्रश्न बहुत बड़ा है। ये रहा चौथा विकल्प, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह सकें या लिख सकें। तो यहाँ से तो उनके भाषा शिक्षण पर कोई विकास नहीं होगा अगर आप उतना ही जानते हैं या उतना ही लिखें जितना मैं कह रहा हूँ, तो आपके शिक्षण में कैसा विकास होगा? कोई विकास नहीं होगा बेटा, क्योंकि जितना आपने सुना उसी को शब्दशः कह दिया, इससे तो याददाश्त का विकास होगा लेकिन भाषा का विकास नहीं होगा। तो भाषा के विकास के लिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हिंदी भाषा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में बताइए, जल्दी से क्या बात है, उत्तर दीजिए। लगातार मैं उत्तरों को देख पा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लगातार उत्तर देंगे। चलिए बताइए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? देखिए, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि कही या लिखी गई बात को बालक आलोचनात्मक दृष्टि से यदि पकड़ पाता है तो हम कहेंगे कि उसने अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया है। कारण इसके पीछे क्या है कि उसके निहितार्थ में सम्यक ज्ञान का प्रयोग किया जाएगा और अपने सम्यक ज्ञान के आधार पर ही आलोचनात्मक तौर पर उत्तर देने में समर्थ सिद्ध होगा। तो मैं आपके उत्तर जो देख पा रहा हूँ वो लगातार उत्तर आ रहे हैं, विकल्प सी बिल्कुल सही है, कही या लिखी गई बात को जब हम आलोचनात्मक दृष्टि पर लेते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि का मतलब क्या होता है कि बालक अपने विवेक का भी प्रयोग करेगा, भाषा शिक्षण कौशल का भी प्रयोग करेगा, और उस कौशल के आधार पर किसी बात को जब वो परखेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, बोलेगा, तो यहाँ से हम उसके उद्देश्यों की, भाषा शिक्षण के जो मूल उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति कर पाने में समर्थ सिद्ध होंगे, अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बेटा, प्रश्न संख्या तीन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देते हैं, बताइए।
जब हम प्राथमिक स्तर पर बच्चे की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, बताइए। भाषा शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर बल देंगे एक अध्यापक के तौर पर, जब आप प्राइमरी में हो? सोचकर उत्तर दें। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर बल देंगे कि हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाओं पर बल देंगे कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, आंचलिकता मतलब होता है ग्रामीण परिवेश, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसका अर्थ नहीं जानते होंगे, कॉपी में नोट कर लें, आंचलिकता मतलब होता है बेटा ग्रामीण परिवेश, ठीक है। अभी मैंने हिंदी साहित्य में कल ही इस बात को पढ़ाया है, एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रेणु जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध आंचलिक कृति कौन सी है, तो आप बताएंगे फणीश्वरनाथ रेणु की सर्वाधिक आंचलिक कृतियों में से आपका आता है मैला आंचल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, नोट कर लीजिएगा, आंचलिक मतलब होता है ग्रामीण परिवेश, अंचल परिवेश। आप कह रहे हैं भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, यानी ग्रामीण परिवेश के सौंदर्य में आंचलिकता लेकर के बात कही जाए, यानी हिंदी भाषा का मानक वर्तनी, चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए, मैं आपका उत्तर देख पा रहा हूँ और जिस छात्र का सही उत्तर आएगा उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। चलिए उत्तर दीजिए। क्या बात है, लगातार उत्तर आ रहे हैं, वीडियो को शेयर करते जाइए, पूरी ताकत से वीडियो को शेयर करिए बेटा, बहुत अच्छे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? जब हम प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो वहां पर मूल अवधारणाओं के सौंदर्य, उसके क्षेत्र विशेष से जुड़ाव और आंचलिकता पर बलाघात भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, यहाँ पर जो सही उत्तर है वह ये है कि हम सर्वाधिक बल देंगे हिंदी भाषा के सौंदर्य पर और उसकी आंचलिकता पर। सौंदर्य पर बल देना तब आवश्यक हो जाता है जब बालक भाषा को तोड़ना काटना शुरू कर देता है और उसे उस समय व्याकरण की परख होती नहीं है। प्रारंभिक स्तर पर हमने बताया था कि व्याकरण बहुत अंत में आता है, क्योंकि आप भी जब विद्यालय गए होंगे तो कक्षा 5-6 तक तो व्याकरण का नामो निशा आपने नहीं देखा होगा, केवल भाषा ज्ञानार्जन करने के पीछे बल दिया जाता है। तो विद्यार्थियों को और अध्यापक को ये चाहिए कि वो केवल भाषा पर बल दें, ना कि उसके व्याकरण पर। पहली कक्षा में हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, बताएं। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, पहली कक्षा में हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को, यहां धा कर दीजिए, किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, बताएं। कहानी, नाटक, डायरी, एक विकल्प और है, विकल्प चार, निबंध, मैं इस विकल्प को यहीं लिख देता हूं। बताइए भाई, चार विकल्प हैं, कहानी, नाटक, डायरी, निबंध। बताना है पहली कक्षा में हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सर्वाधिक महत्व देंगे, बताएं। पहली कक्षा की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में प्राथमिक स्तर के बच्चे कहानी सुनने में बहुत रुचि लेते हैं, और जब कहानी सुनने में रुचि लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति दोनों का एक साथ विकास प्रभावी तौर पर बालक के भीतर हो रहा है, और जब उसके श्रवण कौशल का विकास हो रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, तो हमें बालक को इतनी छूट देनी चाहिए, यानी कि हमें कहानी विधा पर बहुत अधिक बल देना चाहिए। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बालक, वो हो जाएगा कहानी। सभी भाई बहन एक बार वीडियो को शेयर कर दें, संख्या बहुत कम है, आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक हम पहुंच सकें, क्योंकि आपसे कोई शुल्क नहीं मांगा जा रहा है बेटा, निःशुल्क हमारे अध्यापक सुबह से शाम तक, पूरी की पूरी टीम, हमारे टाइपिस्ट, हमारी टेक्निकल टीम लगातार आपके लिए कार्यरत है।
आज के दिन भी हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, जब छुट्टी का समय होता है तब भी हम आपके लिए निरंतर कार्यरत होते हैं। तो हम इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो के लिंक को प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाएं, जो भी तैयारी करना चाहता है, सिलेक्शन चाहता है, उसे वहां तक पहुंचा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं पढ़ने का प्रारंभ से ही और किसी उद्देश्य के लिए हो। अब बताइए, विकल्प आपके सामने है, पढ़ने का प्रारंभ डैश 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 से ही और किसी उद्देश्य के लिए हो, अक्षर, शब्द, वाक्य या अर्थ। अगर आपको ध्यान हो तो ये प्रश्न हमने आपको इसके पहले भी करवाया है, ताकि आप तैयार हो सकें अच्छे प्रश्नों को करने के लिए। आपको बता दिया जाए कि रीट परीक्षा के शिक्षण में जितने भी प्रश्न आते हैं बहुत रिपीट किए जाते हैं, हद से ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न होते हैं। अगर मैं खुलकर आपसे कहूँ तो 10 से 12 प्रश्न रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, नहीं तो 5-6 प्रश्न तो हमेशा रिपीट किए जाएंगे। ज़्यादा नहीं, केवल पिछले 3 साल के प्रश्न पत्र उठाइए, पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से? अर्थ से ही तो, और उसके उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। यानी कि पढ़ने का प्रारंभ निहित अर्थ को समझने से होना चाहिए, किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। बिना उद्देश्य के हम किसी कार्य को पूर्णता तक नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए जो हमारा सही उत्तर है बेटा वो है अर्थ, यानी पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, तो विकल्प सही है, विकल्प डी बिल्कुल सही है बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? अर्जित करने के संबंध में ध्यान दीजिएगा, भाषा अर्जन जन्मजात होती है, मैंने आपको बताया था, चौमास्की का कथन था, मैंने कई बार इसके बारे में बताया भी है। अब हमने कहा कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, या बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। बच्चों के नियम बनाना सिखाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए बताएं? भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है बताइए? सहज प्रक्रिया है या स्वाभाविक है, नियमों को आत्मसात करता है, या बच्चे को नियम बनाना भी सिखाया जाता है इसके अंतर्गत बताएं? चलिए, बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाना उचित नहीं है। भाषा अर्जित करने के लिए हमको क्या करना, ये भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया है, नियमों को आत्मसात किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नियम बनाने, व्याकरण पढ़ने जैसी कोई भी बात नहीं आती। मैंने इसके पहले भी आपको कई बार इसके बारे में बताया है। तो व्याकरण पढ़ना, व्याकरण के नियम बनाना, इससे संबंधित कोई भी बात शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती। पहले तो ये ज़रूरी है कि हम पहले भाषा को सीख लें, जब तक हम किसी भाषा को नहीं जानेंगे उसके व्याकरण पर हम हाथ नहीं लगा सकते। भाषा जानते नहीं व्याकरण पर काम करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। तो बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है इसके अंतर्गत, ये बात बिल्कुल नागवार गुजरती है, गलत बात है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। अब देखिए अगला प्रश्न, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है बताएं? लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति बताइए। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना या अर्थ की अभिव्यक्ति बताएं बेटा?
जल्दी से उत्तर दीजिए। क्या बात है, मैंने आपसे पूछा लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना या अर्थ की अभिव्यक्ति, बताएं। हमने पूछा क्या जरूरी है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ की अभिव्यक्ति। कारण क्या है, क्योंकि अर्थ समझने के साथ शब्द के अनुप्रयोगों में स्पष्टता आती है और इससे लिखना आसान हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे अर्थ की अभिव्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है बेटा, डी विकल्प, अर्थ की अभिव्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश 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 प्रस्तुत किया, बताइए। इस प्रश्न को तो मैंने कई बार बताया है, चार विकल्प हम आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं, ये रहे आपके सामने चारों विकल्प। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक या व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी, बताएं। क्या पूछा जा रहा है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो हमने बता दिया भाई अर्थ की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आपको क्या पूछा जा रहा है, फिर आपको ज़रूरत है ये जानने की कि आप बताइए वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश 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 परिपेक्ष प्रस्तुत किया, व्यवहारवादी परिपेक्ष, समाज सांस्कृतिक परिपेक्ष या व्यवहार सांस्कृतिक परिपेक्ष या संज्ञानवादी परिपेक्ष, कैसा परिपेक्ष यहां पर दिखाया जाता है, बताएं। चलिए, बहुत सारे छात्रों ने उत्तर दिया, मैं थोड़ी थोड़ी चीज आपको बता दे रहा हूं, आप नोट करते चलें। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है ना कि बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा वाइगोत्स्की का कथन है कि भाषा सीखने में समाज का और परिवार का बहुत अहम रोल होता है। तो भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने और बातचीत करने के कारण उसका जो है सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर उसके भाषाई विकास में वृद्धि हो रही है। तो जो हमारा सही विकल्प है बेटा वो है समाज और संस्कृति, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो अनुकरण के कारण सीखते हैं। अनुकरण किससे करते हैं, तो इसी समाज से, अपने अध्यापक से, भाई बहन से, माता पिता से, अपने आस पास के लोगों से ही तो अनुकरण करके भाषा को सीखा जाता है। तो समाज और संस्कृति जो है वो एकदम सही उत्तर है बेटा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चे के घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा, बताइए। विकल्प ए, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। ये चार विकल्प हैं। बताना ये है कि बहुभाषिक कक्षा है, कक्षा में सब बहुभाषिक ही होती भी है, तो बच्चे के घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा, बताएं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ
प्रश्न संख्या 9, बहुभाषी कक्षा में बच्चे की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? उत्तर बताएं, आप लोग के उत्तर आ भी रहे हैं, काम काम की चीज़ें नोट करते चलो बेटा। बहुभाषी कक्षाओं में आवश्यक है कि बच्चे में परस्पर भाषिक आदान प्रदान हो, क्योंकि बालक जिस स्थान से आया है उस स्थान से जिस भाषा का अनुकरण करके आया है, जिस भाषा को जन्मजात तौर पर सीख के आया है, उसी भाषा के माध्यम से हम उसको दूसरी भाषा सिखाते हैं, उसी भाषा को वो अपने मित्रों के साथ बातचीत के लिए प्रयोग करेगा, तो हर व्यक्ति नई नई भाषा का जानकार बनता चला जाएगा, उसको उस बोली विभाषा का रूप तौर तरीका भी पता चलता जाएगा। तो अब बेटा यहाँ काम का क्या है, इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चे की मातृभाषा की प्रतिभागिता कक्षा में बतानी हो, हमें समझाना होगा बच्चों को कि मातृभाषा का महत्व क्या है, उसकी प्रतिभागिता क्या है, हमें उसके उपयोग में आने वाली इस बहुत महत्वपूर्ण भाषा को उसके सामने रखना होगा, उस भाषा के साथ उसका व्यवहार बनाना होगा, उसको बातचीत में लेखन में इस भाषा को उतारना होगा। तो अपनी भाषा में अपनी पसंद का गीत सुनाने के लिए अगर कहेंगे तो हम उसकी भाषिक शब्दावली का तौर तरीका जान पाएंगे, उसको हम वहाँ से समझा पाएंगे और नई भाषा की ओर खींच पाएंगे। चलिए हमारे स्क्रीन पर अब अगला प्रश्न आने वाला है, प्रश्न संख्या 10। ये रहा बेटा आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 10। कह रहे हैं कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? अगर उसकी भाषा का आकलन करना है तो कौन सा प्रश्न पूछेंगे? छुरी में के कितने बैल थे, झुरी के बैलों का नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, हीरा समझदार था या मोती क्यों, बताएं। कक्षा 5 के बच्चे को हिंदी भाषा का आकलन करवाना है, ठीक है, तो अब उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रश्न क्या बन सकता है? 4 विकल्प हैं, उत्तर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, हीरा समझदार था या मोती क्यों, क्योंकि भाई इस तरह का प्रश्न करने से बच्चे की तथ्य परक उत्तर कक्षा 5 के बच्चों से अपेक्षित है, क्योंकि मौखिक और लिखित भाषाई आकलन के लिए इस तरह का प्रश्न उपयुक्त होता है। और हम बच्चे से क्या और क्यों लगा करके पूछेंगे तो उसके भाषाई कौशल का भी विकास होगा, उसकी बौद्धिकता का भी विकास हम कर पाएंगे। तो हीरा समझदार था या मोती क्यों, यहाँ पर हम ये प्रश्न बालक से करेंगे और उसको कक्षा 5 के बच्चे के लिए ये प्रश्न पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है। चलिए, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आकलन का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है बेटा, बताएं। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चे के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चे के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चे की मदद करना, और एक विकल्प और आपके सामने है, भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना, बताएं। ये 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प आपके ऊपर हैं, उत्तर देना है हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य। चलिए, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? आकलन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा प्रभावी भाषा में
बच्चों को मदद करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चे की मदद करना, जो भाषा प्रभावी है उसी में बच्चे की यदि मदद की जाए। भाई आप कब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जब आपको अंग्रेजी आती है और हम आपसे अंग्रेजी भाषा में बात करें, आपको उर्दू आती है और हम आपसे उर्दू भाषा में लिखने को कहें, आपको कन्नड़ और मलयालम आता है तो हम आपसे कन्नड़ मलयालम गुजराती में बात करें तो आपको बात समझ में आएगी, अन्यथा आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी, आप हमसे पीछा छुड़ा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, कहते हैं तीसरी कक्षा में मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, या वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, परीक्षा में कई बार रिपीट किया गया है और बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई बालक पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करे उससे आप क्या समझेंगे बताइए, और वहाँ पर मूल तौर पर कह भी दिया गया है कि बालक जो है वो तीसरी कक्षा का यानी प्राथमिक स्तर के बौद्धिकता की बात की जा रही है, प्राथमिक स्तर के भाषा विकास की बात की जा रही है, अब उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। भाई अगर कोई बालक प्राथमिक स्तर पर किसी भी भाषिक शब्दावली की पुनरावृत्ति करे तो उसका अर्थ है कि वह अर्थ की खोज में है, और मैंने आपको कल की ही कक्षा में पढ़ाया था अर्थ के बिना हम अपने मूल उद्देश्यों तक नहीं पहुंच सकते, भाषिक तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमें अर्थ को समझते हुए बात को समझना चाहिए, भाषाई तौर पर समझना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि यदि बच्चा पुनरावृत्ति कर रहा है तो हम समझ जाएं कि अर्थों की खोज करने का प्रयास किया जा रहा है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश, चार विकल्प हैं, बताएं अब उत्तर दीजिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया में प्रश्न देखिए ध्यान से, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, और दो विकल्प मैं पढ़ देता हूँ, भाषा शिक्षण की पद्धति और परिवेश। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्यपुस्तक, हमें उस समय पाठ्यपुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है जब हम प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए भाषिक पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके लिए हम उसका आकलन करेंगे और उसको क्या करेंगे, शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे, भाषाई परिवेश देंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है भाषा सीखने के लिए भाषाई परिवेश देना। यदि हम उसको माहौल नहीं दे पाएंगे तो वो उस भाषा को सीखने में असमर्थ हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की ... को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को ... की दृष्टि से देखें। अब बताइए जटिलताओं, साहित्यिक विषमताओं या सराहना, विविधता या सराहना, सराहना या विविधता, बताएं भाषा शिक्षक के लिए क्या जरूरी है, भारतीय भाषाओं को ... स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को ... की दृष्टि से देखें, विविधता और सराहना की दृष्टि से देखें, यानी जो सही उत्तर है वो भारतीय शिक्षक के लिए, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को समझें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। अगला और अंतिम प्रश्न,
पहली कक्षा में बच्चे के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और मैं चारों विकल्पों को आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपसे क्या कहता है? प्रश्न आपसे ये कह रहा है, प्रश्न कहता है बच्चे से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाए, बच्चे से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चे को कविता में आए 5 शब्द बताने को कहेंगे और बच्चे से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। पहली कक्षा के बच्चे के साथ जब कविता गायन करने के बाद आप क्या कहेंगे? बच्चे से कहेंगे कि वह कविता शब्दशः सुनाए, कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे या बच्चे को कविता में आए 5 शब्द बताने को कहेंगे या बच्चे से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। देखिए, हम प्रयास करना चाहिए एक अध्यापक के तौर पर प्राथमिक स्तर पर कि भाषाई असमानता को कम किया जाए। जब हम भाषाई असमानता को कम करेंगे तो बच्चे से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत कविता सुनाए। इससे क्या होगा कि भाषाई असमानता घटेगी। हमें भाषाई असमानता को पूर्णतः कम करने का प्रयास करना चाहिए, यही भाषा का आधार है। देखिए, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 15 प्रश्न हो चुके हैं, ऐसे ही लगातार प्रतिदिन लाइव आकर आपको ऐसे ही धुआंधार कक्षाएं दी जाएंगी। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप रीट और सीटेट में चयनित हो जाएं। रीट परीक्षा में विशेष तौर पर चयनित होकर के जब आप अध्यापक के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत करें तो हम आपसे मिठाई खाने जरूर आएंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मेरे भाइयों। चलिए।